हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मियान एंड आज हम करेंगे मिलेनियम्स सोशल स्टडी क्लास फोर्थ का चैप्टर वन पार्ट टू, और पार्ट वन पहले भी कर चुके हैं जो आपको चैनल और लिंक इन डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि हमने लास्ट जब पढ़ा था तो हमने यहाँ पे छोड़ा था पढ़कर, यहाँ पे मैप्स के इस पे छोड़ा था, और यहाँ पे पढ़ा था हमने लास्ट की जो हमारे हमें अपने मैप्स में और ग्लोब में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती है, और उन्हीं डिफरेंट चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि वो कौन कौन से डिफरेंट चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलती है। साथ ही में हमारा ये एक चीज़ रह गई थी कि ये एटलस है, एटलस। ठीक है, एटलस होता है एक बुक जिसमें मैप्स होते हैं, हर तरह के हर देश के मैप्स होते हैं एटलस में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या वो चीज़ें थी जो जिसके बारे में यहाँ पर लिखा है, जो बहुत ज़्यादा मतलब हमें देखने को मिलती है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलती है मैप्स और ग्लोब्स में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो है यहाँ पे लैंड फॉर्म्स। ठीक है, लैंड फॉर्म्स दो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लैंड फॉर्म है वो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अर्थ जो है वो लैंड और वाटर से बनी है, जिसमें से 3/4 पार्ट जो है अर्थ का वो कवर्ड है पूरा का पूरा वाटर से, और बाकी का जो रिमेंड है वो है कवर्ड लैंड से। ठीक है, और उन लैंड को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब कॉन्टिनेंट बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे लार्ज मार्स ऑफ एरिया होता है जो जिसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं, बहुत बड़े बड़े पीसेज ऑफ एरिया होते हैं जिसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि पूरे यहाँ पे आप पहले भी देख लो एक बारी कि यहाँ पे जो हमने पढ़ा, ये देखो यहाँ पे बताया गया है कि जो बहुत ये देखो यहाँ पे जो बताया था ना मैं कि हमारे पास पूरी 3/4 है ऑफ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, तो ये चीज़ यहाँ पे लागू होती है। यहाँ पे हमारे पास दिखाते हैं कि 3/4 और है जो वो है कवर्ड विथ वाटर। ठीक है, और यहाँ पे हमें पढ़ने को मिलेगा कि हमारे पास जो है पूरे 7 टाइप्स ऑफ कॉन्टिनेंट है, जिनमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका आते हैं। ठीक है, तो इनका एक बारी हम देख लेते हैं थोड़ा, या फिर इधर देखो पहले आप मैप में बाद में देखेंगे, पहले हम इधर देखते हैं। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो एशिया है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, जो एशिया है यहाँ पे दिख रहा है हमें कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और जो सबसे लार्जेस्ट है एशिया, और सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो एक बार आप इसे नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप इसको एक ना आप इसे सेपरेट नोट डाउन करना कि ये देखो एशिया का इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, इसको पहले अलग नोट डाउन करना वाइल को छोड़ना, फिर ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, ऐसे करना, मतलब ऐसे करा, इसको छोड़ा, इसको और इसको ऐसे। ठीक है, तो और जो कॉन्टिनेंट होते हैं ये यूजुअली सब कंप्राइज करते हैं बहुत सारी कंट्रीज़, कंप्राइज मतलब अपने अंदर कैद करते हैं बहुत सारी कंट्रीज, इनके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ होती है। ठीक है, और हमारी कंट्री इंडिया भी इनमें से एक है, मतलब इनमें हमारी कंट्री इंडिया भी आती है इस कॉन्टिनेंट एशिया में। ठीक है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया और इसमें हमारी इंडिया कंट्री भी आती है। ठीक है, और यहाँ पे हमें एक डू यू नो बताया जाता है कि जो डू यू नो में हमें यह बताया जा रहा है कि जो टर्की है ना, वो एक यूरोप और एशिया के बीच में आता है, दोनों का ही पार्ट है, आधा आता है, ज़्यादातर तो मतलब एशिया में आता है, बट वो कैपिटल पर वो यूरोप में भी आता है, मतलब देखो आधा आता है एशिया में, आधा आता है यूरोप में, और ज़्यादातर जो हमारा पार्ट है वो आता है यूरोप में। ठीक है, और यहाँ पे जो एक और चीज़ है कि उसी की कैपिटल इस्तांबुल जो है वो टर्की की कैपिटल, यहाँ पे ऐसा कहा गया है, और वो यूरोप में है। ठीक है, ज़्यादा पार्ट तो ऐसे आता है हमारा एशिया में उसका, टर्की का। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो अर्थ के कुछ पार्ट्स हैं, कुछ जो इवन नहीं है, प्रॉपरली इवन नहीं है वो पार्ट्स, और जो अर्थ है वो रफ है, मतलब कहीं पे फ्लैट है कहीं पे रफ है कुछ, देखो, और यहाँ पे बताया गया है कि कुछ बहुत ऊंचे हैं कुछ बहुत नीचे हैं, और यहाँ पे ये कवर्ड है रॉक से, कभी कहीं पे रॉक से कवर्ड है, कहीं पे सैंड से कवर्ड है, कहीं पे बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो यहाँ पे अर्थ है, इनके जो लैंड फॉर्म्स हैं इनमें बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स हैं, हमें हमारे लैंड फॉर्म में डिफरेंट फीचर्स देखने को मिल जाते हैं इस पूरे में, ये कहा गया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा देयर आर मेनी डिफरेंट लैंड फॉर्म प्रेजेंट ऑन दी अर्थ, तो अर्थ में बहुत सारे डिफरेंट लैंड फॉर्म भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
सच एज माउंटेन प्लेन्स एंड प्लेट्यूज़ वी कैन स्टडी दी लोकेशन। तो देखो जो है अर्थ है हमारी यहाँ पे, इसमें डिफरेंट डिफरेंट हमें लैंडफॉर्म देखने को मिल जाते हैं, जिसमें हमारे प्रेजेंट होते हैं अर्थ लैंड, मतलब देखो अर्थ में हमारे जिसमें बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं माउंटेन प्लेन्स प्लेट्यूज़, और इसमें से बहुत सारे तो हम पढ़ रखे हैं और पढ़ेंगे इन फ्यूचर। ठीक है, अब हम यहाँ पे और यही ये सब हमें पढ़ेंगे, ये सब की हम इन ग्लोब और मैप की मदद से हम ये इन फ्यूचर पढ़ेंगे। अब बात आती है ओशियंस की, बट ओशियन से पहले मैंने आप लोगों को ऊपर कहा था ना कि हम मैप भी देखेंगे, तो मैप पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका ये सब हमें देखने को मिल रहे हैं, तो एक बार ही हाईलाइट कर लेते हैं इन्हें। तो यहाँ पे हमारे को मिल रहा है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, एशिया का सॉरी दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, कलर थोड़ा है, वेट हम ले लेते हैं, एशिया, टिक, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये सब क्या है हमारे है कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, ये सब हमारे कॉन्टिनेंट्स है। ओके, अब हम आएंगे यहाँ पे, बढ़ते हैं कि ओशियंस क्या है। ये ओशियंस है बड़े बड़े लैंड की बॉडीज़, जैसे अभी वो लैंड की बॉडीज़ हमारी, सॉरी मैंने लैंड की बॉडी बोल दिया, जो हमारी लैंड की बॉडी है वो लैंड फॉर्म्स है, हमारे लैंड फॉर्म्स जो है वो लैंड की बॉडी है, और ओशियंस जो है वो वाटर बॉडीज़ है, बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ है। ठीक है, और यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं जैसे उनकी कुछ एग्जांपल्स भी है, मतलब देखो एग्जांपल्स तो है ही, जैसे हमारे 7 कॉन्टिनेंट है इस टाइप से, ये है 5 ओशियंस इन द वर्ल्ड। ठीक है, जिसमें से है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन। इंडियन ओशन भी है भाई, हमारे इंडिया के नाम पे भी एक ओशन है, तो ओशंस के नाम भी आपको याद करना बनता ही है, क्योंकि उसमें हमारे इंडिया का भी आ रहा है। ठीक है, इंडियन ओशन, अंटार्कटिक ओशन एंड सर्दर्न ओशन। ठीक है, साउथ ओशन भी एक है, सर्दर्न ओशन। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो आप इसको कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि क्या क्या हमारे इम्पॉर्टेंट है। तो ये देखो पूरा का पूरा, समझो पूरा का पूरा पैराग्राफ ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ना इसमें हमें पता चल रहा है डिफरेंट डिफरेंट वाटर बॉडीज़, हमें वाटर बॉडीज़ के बारे में पता चल रहा है कि उनकी क्या डेफिनेशन है, उसके बाद हमें उनके 5 प्रकार देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए ये पूरा का पूरा ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको भी आप अंडरलाइन और पूरा नोट कर लो, याद कर लेना इसको शॉर्ट में लिख कर। ठीक है, तो अब आपको आंसर बनाने की वैसे प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप बड़ी क्लासेस में आ गए हो, तो आपका ये होमवर्क है कि अभी जैसे ये वीडियो ख़त्म होगी, ठीक है, तो आपका ये होमवर्क है कि आपको इसका इस पूरे को शॉर्ट में लिखना है। ठीक है, और उसे याद कर लेना है। अब हम आएंगे यहाँ पे ओशन। ठीक है, तो ओशन और सीज जो है वो कंटेन करते हैं सॉल्टी वाटर्स। ठीक है, वाइल देखो जो सी है वो स्मॉलर होते हैं ओशन से, और हम ये सब ग्लोब और मैप में भी देख सकते हैं। ठीक है, और हमें देखने को क्या मिलेगा कि जो ओशंस है वो है इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से। ठीक है, क्योंकि भाई उनको हम नहीं, पानी है भाई, पानी तो बहता रहता है, तो वो इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, और वाटर द लेवल ऑफ वाटर इन द सी इज ओशियन रिमेन, तो सी और ओशन ये जो है ये दोनों कनेक्टेड है और ये हर जगह रहता है। ठीक है, सी लेवल। अब हम आएंगे यहाँ पे, तो पहले एक बारी हम थोड़ा मैप पे भी, जैसे हमने कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा, अब हम एक बारी ओशियंस के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, और यहाँ पे सर्दर्न ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन। ठीक है, तो इंडियन ओशन इसलिए क्योंकि वो डायरेक्ट आप देख सकते हो इंडिया के ही नीचे है। ठीक है, और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है हमारे यहाँ पे पूरे के पूरे ये है, देखो पूरे 5 है। ठीक है, और यहाँ नहीं, ये पैसिफिक ओशन तो 2 बारी आ गया हमारा। ठीक है, तो ये 2 बारी क्यों आया है, क्योंकि ना ये अभी हमारी अर्थ क्या है, ग्लोब है ना, ग्लोब जैसी है। तो अब आप सोचो कि ग्लोब में होता तो ये समझो इधर से लेके पूरा कंटिन्यूएशन में इधर तक बना है हमारा पैसिफिक ओशन। ओके, अब हम आएंगे तो अब यहाँ से इस पेज से, मतलब पेज नंबर 8 को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। और इसके बाद हम मीट यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, मतलब पार्ट 3 में। बाय बाय, टेक केयर।